देखिए, ये जो बिल पास हुआ है इस रूप में, उससे पूरे देश में बहुत आक्रोश है। मोदी जी और अमित शाह जी खुद स्टेटमेंट देकर के मीडिया के माध्यम से इसको दबाना चाहते हैं। उनको चिंता नहीं है क्या? नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है वो हमारा हिस्सा नहीं है क्या? त्रिपुरा में आग लगी हुई है, आसाम के अंदर 5-6 राज्यों में वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के वहाँ आग लग गई है, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, फौजें भेजनी पड़ रही है वहाँ पर, सैनिकों का मूवमेंट वहाँ पर हुआ, क्यों हुआ है वहाँ पर? एक IAS ने इस्तीफा दे दिया है। ये स्थिति जो बन रही देश के अंदर अच्छी नहीं है। ये चाहते क्या है ये बताए देश को। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो खुल के कहना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पता पड़ेगा इनकी मंशा क्या है, उसका जवाब देंगे। आज जो माहौल है वो बहुत ही भयंकर आक्रोश का, चिंता का माहौल है। एक के बाद एक जो स्टेप उठा रहे हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है। पूरा देश इस बात को समझ गया, समझ भी रहा है। सर, आपने कहा था कि राहुल गांधी मुकाबला कर सकते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, तो क्या नई बात थोड़ी कही? राहुल गांधी के बारे में मैंने कोई नई बात नहीं कही है। मैंने तो पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि अगर कोई मुकाबला कर सकते हैं मोदी का, मोदी अमित शाह का मुकाबला साहस के साथ में, हिम्मत के साथ में कोई कर सकता है तो राहुल गांधी, जिसका नाम राहुल गांधी है, ये मेरा मानना है। चुनाव हारना अलग बात है, चुनाव हारना अलग बात है, पर उनके छक्के छुड़ा दिए गुजरात के अंदर। तो आज जो मुकाबला कर सकते हैं, आज भी कई बार ऐसे माहौल बन जाता है जिसके कारण से गुजरात में चुनाव हम लोग जीतते जीतते रुक गए। पूरे मुल्क में जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा का करके, उसके बाद में जो राष्ट्रवाद की बात करके लोगों को भड़का दिया, अलग बात है। पर जो मुकाबला कर सकते हैं पॉलिटिकली, इशू बेस्ड राजनीति राष्ट्र के हित के अंदर, आज नौजवानों का आक्रोश बहुत भयंकर, नौकरी जा रही आ नहीं रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो रही देश की, अब किससे सर्टिफिकेट चाहिए इनको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोल चुके हैं, राहुल बजाज बोल चुके हैं, रघुराम राजन बोल चुके हैं, पूरा देश बोल रहा है, इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, बजाय इसके कुछ ठीक करने के बजाय ये दबाव दे के उद्योगपतियों को उतारे मैदान के अंदर, राहुल बजाज को काउंटर करो। जिनकी सोच ये, वो क्या अर्थव्यवस्था को ठीक कर पाएंगे, हमें डाउट लगता है। कहाँ प्याज पहुँच गया 150 रुपये, चिंता ही नहीं इनको, पेट्रोल 75 रुपीस, 66 रुपये हो गया, डीजल हो गया, तो हालात बड़े गंभीर हैं। महंगाई की मार बहुत भयंकर है, तो प्याज के 150 रुपये पहुँचने की चिंता नहीं इनको है। मूल समस्याएं जो है देश की, इश्यू बेस, उसे ध्यान हटाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जनता जवाब देगी समय आने पर। धर्म और जनभावना के आधार पर फैसले हो रहे हैं, जनता भी इनकी भावनाओं में आ रही है, क्या देश को तालिबान बनाया जाएगा? मैं बार बार इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ कि इस देश के नागरिकों को, प्रदेशवासियों को, नौजवानों को, विशेष रूप से नौजवानों को, छात्रों को अल्टीमेटली चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अगर गलत हम लोग हैं तो उसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए, गलत ये हैं तो उसके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए। अगर मौन धारण कर रहे तो तकलीफ रहेगी आने वाले वक्त के अंदर, ये मैं कह सकता हूँ। रैली में तो लाखों लोग आएंगे और बहुत शानदार रैली होगी, और जितनी समस्याएं देश के सामने चैलेंज के रूप में सामने आई है उसके ऊपर उस दिन आह्वान किया जाएगा जनता को। सोनिया गांधी जी ने सोच समझ करके और राहुल गांधी जी ने राइट टाइम पर आज डिसीजन लिया है और नाम दिया भारत बचाओ रैली। आप समझ सकते हो कि भारत बचाओ का मतलब क्या होता है। सर, झारखंड में चुनाव चल रहा है, जहाँ आज लोकतंत्र खतरे में हो, तो कांग्रेस का ये फर्ज बनता है, सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने के नाते, चाहे सरकार हमारी नहीं है, तब भी हमारा फर्ज बनता है कि हम आगाह करें मुल्क के वासियों को कि आज मुल्क किस समय जा रहा है, उसका लोकतंत्र बचाओ, जिससे कि हर गरीब से गरीब आदमी की आवाज़
तो भजन बना रहे जो आज तक बना रहा है, वरना तकलीफ आएंगे बाद में। झारखंड भी मुँह में तो पूरा लगता है कि भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी और भारी बहुमत से इनको मुँह तो जवाब दिया जाएगा, मेरे को लगता है। सर, बामासा कार्ड की जगह आप अच्छी स्कीम ला रहे हैं, लेकिन भाजपा के लिए ये बामासा कार्ड बंद करके गलत कर रहे हैं। उनकी बातों का मैं क्या क्या जवाब दूँ, उनकी बातों में दम तो है नहीं। उनको ये समझ नहीं है कि धरना कब दिया जाता है, धरना किन बातों में दिया जाता है और क्या इश्यू बनाए जाते हैं, क्या इश्यू है राजस्थान के अंदर, क्या समस्या है, उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी जाती है, उनको समझ ही नहीं है। तो मैं क्या जवाब दूँ उनको? एक साल पर सर कई सौगातें दे रहे हैं आप राजस्थान के, सम्मेलन हो रहे हैं, निरोगी योजना। हमारे वो केंद्रीय मंत्री जोधपुर वाले शेखावत साहब, अब वो जो है, मैंने जो बात उठाई है कि काला धन, ब्लैक मनी, दो नंबर का पैसा, वो पैसा पॉलिटिशियन को मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, राजनीतिक पार्टी को मिलता है, आज नहीं मिलता है, मिलता आ रहा आज तक। उस पर मैंने चोट करी कि एक बंद होना चाहिए, कोई स्टेट फंडिंग हो। ये मेरी मांग कोई आज की नहीं है, 15-20 साल पुरानी मांग है। तो अगर मैंने उसको कहा जोधपुर के अंदर, जहाँ राष्ट्रपति महोदय बैठे हुए हों, चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हों, सब वो लोग बैठे थे, वो हमारे कानून मंत्री बैठे थे, कि सबकी सोच ये पैदा हो और इस पर कोई हम सब मिलके कुछ करें। और जहाँ तक सवाल है, आज जिस रूप में बीजेपी ने जो ब्लैक मनी को हजम करने के लिए रास्ता निकाला है, आप जो पहले बट रही थी, वो जिस रूप में आपने बॉन्ड लेके आ गए, बॉन्ड लेके आपने बहुत बड़ा स्कैंडल किया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग बंद कर दी आपने, आप चाहते हो कि एक पार्टी के शासन नहीं रहे यहाँ पर, उस दिशा में जो आप आगे बढ़ रहे हो, स्कैंडल बहुत बड़ा है। अगर ये बातें मैंने उठाई वहाँ पर, तो शेखावत साहब को जवाब इसी पॉइंट पे देखने को मिला। मेरी कई टिप्पणी ऐसी है मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, तो वो और टिप्पणी पे जवाब दे सकते थे, मेरे कमेंट को मेरे टिप्पणी पे टिप्पणी कर सकते थे। उन्होंने ऐसी टिप्पणी पे टिप्पणी करी है जो मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी टिप्पणी करेंगे। सर, शरणार्थियों के मुद्दे पर आपने अमित शाह को लेकर ट्वीट किया है कि उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है राजस्थान के संदर्भ में, वो मैं कल कह चुका हूँ। तो जिस रूप में राजस्थान में शरणार्थी सिंध से आते रहे हैं पहले से, बाड़मेर बॉर्डर से हजार कई सालों में बैठे हुए थे वो लोग, इसलिए उनकी मांग थी, तो हमने एक पत्र लिखा उनके लिए, उस पर हिंदू थे उन्होंने मांग करी, सिख थे उन्होंने मांग करी, जो मांग करता सबके लिए लिखते हम लोग। तो देश को गुमराह करने का प्लेटफॉर्म उनको जो मिला हुआ है लोकसभा राज्यसभा, उसका वो उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका वो दुरुपयोग करें झूठ बोल कर, मैं कह सकता हूँ।